सो बर्बेरिस एक्विफोलियम जेल अगर आप यूज़ करते हैं अपने कील मुहासों को ठीक करने के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, ब्लेमिशेस के लिए, या फिर अनइवन स्किन टोन को ठीक करने के लिए, एंड आपके भी मन में बहुत सारे सवाल हैं जैसे कि इसे पूरे फेस पर लगाना है या सिर्फ स्पॉट ट्रीटमेंट करना है, स्किन केयर के साथ यूज़ करें या नहीं करें, सनस्क्रीन लगाना है या नहीं लगाना है, कितने दिनों तक लगाना है, एंड आपको डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं इस बर्बेरिस एक्विफोलियम जेल के रिगार्डिंग, उन्हें मैं इस वीडियो में आंसर करूंगी। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अरवा बोहरा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड ऑल आर हैप्पी एंड सेफ। आज की इस वीडियो में जैसा मैंने बताया, बर्बेरिस एक्विफोलियम जेल के बारे में हम बात करेंगे और इससे जुड़े तीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेरीज़ को मैं आंसर करूंगी जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली मुझसे पूछी गई है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा अगर आप इस जेल को यूज़ करना चाहते हैं तो, एंड ऑफ कोर्स अगर मुझसे पहली बार मिल रहे हैं या वीडियो मेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन को हिट करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, घंटी के आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको अपडेट्स भी मिलती रहें। तो बिना देर किए आज की इस वीडियो को भी अब हम शुरू कर लेते हैं। सो गाइज, दिस इज़ SBL की बर्बेरिस एक्विफोलियम जेल जो 25 ग्राम पैकेजिंग में आती है। इसका MRP पहले 45 रुपीज़ था, अब थोड़ा बढ़ गया है, अब ये 56 रुपीज़ की है। जेल फॉर्म में ये प्रोडक्ट आता है। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है बर्बेरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर। बर्बेरिस एक्विफोलियम लीडिंग होम्योपैथिक मेडिसिन है स्किन कंसर्न्स को सॉल्व करने के लिए, एंड मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस इस मेडिसिन के साथ रहा है सिंस वेरी बिगनिंग बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। मैंने इसे एक्ने पिंपल्स के केसेस में, पिगमेंटेशन के केसेस में, डार्क स्पॉट्स में, अनइवन स्किन टोन में, एंड स्टेरॉइड क्रीम से जो चेहरे, जो स्किन ख़राब हो जाती है उन सब में यूज़ किया है और हमेशा मुझे अच्छे रिजल्ट्स ही इससे मिलते हैं। सबसे पहला सवाल जो है वो ये है कि इसे पूरे चेहरे में लगा सकते हैं या नहीं। सो आंसर इज़ येस, ऑफकोर्स आपको इसे पूरे चेहरे में ही लगाना है, आप बिल्कुल लगा सकते हैं, सेफ़ है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर एरिया पे एक्ने पिंपल्स हैं या किसी पर्टिकुलर एरिया पे पिगमेंटेशन है, जैसे कि सिर्फ चीक्स में एक्ने पिंपल्स है या कोई भी आपका एक सर्टेन अफेक्टेड एरिया है, तो आप ऐसे एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट भी इसे यूज़ कर सकते हो, सिर्फ उस अफेक्टेड एरिया के ऊपर भी इसे आप लगा सकते हो, और आप इसे एज अ मॉइस्चराइज़र आप अपने पूरे फेस में भी लगा सकते हो। उससे कोई नुकसान नहीं होगा, आपका फ़ायदा ही होगा। ये आपके स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगी और बर्बेरिस एक्विफोलियम के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो आपके स्किन को मिलेंगे। सेकेंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इज़ कि अगर हम कोई स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं जैसे कि नायसिनमाइड यूज़ कर रहे हैं, सैलिसिलिक एसिड यूज़ कर रहे हैं, विटामिन सी सीरम यूज़ कर रहे हैं या हेलुरोनिक एसिड सीरम यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं, अगर कर सकते हैं तो कितना गैप रख के यूज़ करें। तो आप कोई भी स्किन केयर ट्रीटमेंट प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, जो भी मैंने सीरम्स यहाँ पे मेंशन किए या कोई टोनर यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी एक्टिव इंग्रेडिएंट वाला प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसके साथ आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप फेस सीरम कोई भी अप्लाई कर रहे हैं उसे अप्लाई करिए, 10 to 20 seconds वेट करिए, वो अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए, फिर जब आप मॉइस्चराइज़र लगाते हैं तो उसकी जगह पे आप बर्बेरिस एक्विफोलियम जेल लगा सकते हैं। किसी भी सीरम के बाद आप इसे लगा सकते हैं। मैंने पर्सनली इसे यूज़ किया है विथ ऑल द सीरम्स जो भी मैंने अभी मेंशन किए, मैंने नायसिनमाइड के साथ भी यूज़ किया है, मैंने इसे सैलिसिलिक एसिड के साथ मैं स्टिल यूज़ कर रही हूँ, मैं हेलुरोनिक एसिड वंस और ट्वाइस इन अ वीक लगाती हूँ अपने फेस पे, तो भी उसके ऊपर लेयर कर लेती हूँ बर्बेरिस एक्विफोलियम जेल। विटामिन सी सीरम मैं रूटीन में लगाती हूँ, उसके ऊपर भी इसे लगा लेती हूँ और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछते हैं पेशेंट वो ये है कि दिन में इसे बर्बेरिस एक्विफोलियम जेल को दिन में धूप में लगा के जा सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल लगा सकते हैं, मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि इसे आप एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं या फिर एज अ ट्रीटमेंट प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, दिन में लगा सकते हैं, शाम में लगा सकते हैं, बेड टाइम पर लगा सकते हैं, हर टाइम आप इसे लगा सकते हैं। पर अगर आप दिन में लगा रहे हैं और धूप में जाना है, आपको बाहर जाना है या धूप में नहीं भी जाना है, तो बर्बेरिस एक्विफोलियम जेल के ऊपर आपको एक सनस्क्रीन लगाना है अच्छा सा, अपने स्किन टाइप के हिसाब से, अपने एक्सपोजर के हिसाब से। आपको सनस्क्रीन लगाए बिना दिन में आपका जो स्किन केयर है वो कंप्लीट नहीं होगा। सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो हमें अभी नहीं समझ में आता है, बट जो डैमेज सन से होता है फिर वो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए होता है, उसे ठीक करने में हमें बहुत
समय लगता है, तो उसके लिए अच्छा है कि प्रिवेंशन हम पहले से ही करें। तो बर्बेरिस एक्विफोलियम जेल आप लगा सकते हो दिन में, इसको लगा के धूप में भी जा सकते हो, बट ये आपको धूप से प्रोटेक्ट नहीं करेगा। धूप से प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी स्किन को आपको एक सनस्क्रीन लगाना ही है। तो दोस्तों ये जो सवाल थे ये बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे थे, आशा करती हूँ जिन भी लोगों ने ये क्वेरी पूछी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। इसके बाद भी अगर बर्बेरिस जेल के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी आपकी रह गई है तो इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिलीज, लव यू ऑल।